मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं इंडिया मुंबई के शहर की रहने वाली हूँ। मैं 2008 में अबूजाबी गई थी, 2015 में मेरे हस्बैंड मुझे मिले, फिर मैं इनसे शादी की। हम दोनों की बातें दोस्ती में बन गई, दोस्ती फिर हम लोग ने शादी का फैसला कर। अब क्या करूँ मैं, अब तो मेरे दो बेटे भी हो गए, मैं पाकिस्तान भी आ गई, अपना मुल्क छोड़ी, अबूजाबी छोड़ी, इस आदमी के पीछे बच्चों के चक्कर में सब कुछ, अपना कैरियर बर्बाद करी। ये मकान आपके नाम है, उनके नाम? ये मेरे बेटों के नाम पे, दोनों बेटों के नाम पे ये मकान हम बैठे हुए हैं इस वक्त। जी जी, ये बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान में, ठीक है, बच्चों के नाम पे माशाल्लाह काफी विरासत है। आप ये चाह रही हैं कि आपको नेशनलिटी मिल जाए ताकि आप इंडिया भी जा सकें, पाकिस्तान भी रह सकें? जी जी। मरियम नवाज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तहे दिल से, अल्लाह का वास्ता आप सब लोगों को एक माँ की तकलीफ को समझी जाए, एक माँ के जज्बात को समझे जाए, माँ कभी धोखा नहीं देती अपनी औलाद को। सो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। और आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम फूड कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड करवाते हैं, लेकिन करंट अफेयर के तौर पर बाज़ोकात हम कुछ ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करते हैं जो दोनों देशों के दरमियान कोई मजबूत किरदार अदा कर सकें या किसी पर्सन की ज़िंदगी में जो है वो उससे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई फ़ायदा उसे हासिल हो सके। इस वक्त मेरे साथ फरजाना बीबी मौजूद हैं, ये इंडिया की रिहायशी हैं लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये इंडियन शहरी हैं। इन्होंने शादी पाकिस्तानी मर्द से की थी लेकिन इस वक्त ये परेशानी का शिकार है, इन्हीं के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये शादी किस तरह हुई, ये इंडिया से पाकिस्तान किस तरह आई और अब इनके हस्बैंड किधर हैं, ये सारे मामलात क्या हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं इंडिया मुंबई के शहर की रहने वाली हूँ। मैं 2008 में अबूजाबी गई थी, 2015 में मेरे हस्बैंड मुझे मिले, फिर मैं इनसे शादी की। 2015 में हमारी शादी हुई, 2 साल में मेरे दो बेटे हुए, इब्राहिम इस्माइल, जो एक 6.5 साल का, एक 7.5 साल का है। फिर दो तीन साल हमारे कुछ ठीक ठाक गुजरे, फिर 4 साल के बाद मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पर पाकिस्तान लेकर आ गया, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके। पहले बच्चों को छीन लिया उसने, पाकिस्तान लेकर आ गया, फिर मुझे इंडिया भेज के अबूजाबी से। अबूजाबी में पूरा मेरा रेसिडेंट वीज़ा ख़त्म कर दिया, मेरी वहाँ जो रिहाइश थी वो ख़त्म कर दी, और फिर बच्चों को छीन के पहले यहाँ लेकर आ गया। फिर मैं मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तू पाकिस्तान में नहीं आएगी रहने के लिए तो मैंने तुझे तलाक दे देना है और बच्चे छीन लेना है। तो फिर मैं बच्चों के प्यार में, बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकती, फिर मैं पाकिस्तान आ गई। मैं बोली पाकिस्तान रहो, इंडिया रहो या अबूजाबी रहो, कहीं भी रहना है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चों को छोड़ के नहीं रहना है। तो मैं फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर आके कुछ दिन थोड़े ठीक ठाक गुजरे। ये वहाँ पर शादरा मोड़ पे मुझे एक छोटे से पोशन में रखा था, जहाँ पर इसकी एक बड़ी बीवी थी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियाँ थीं, जिनकी मुदाखलत मेरी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ती गई, जिसकी वजह से मैं मेरे शोहर के तशद्दुद का शिकार बनते गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप भी पहले से शादीशुदा थी और जो जिससे आपने शादी की वो भी शादीशुदा थे? जी, मैं तो शादीशुदा थी, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह अभी बड़े हो गए, वेल सेट है। मेरे बच्चों का मेरे पर अभी कोई जिम्मेदारी, मेरे पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैंने उनको इस्टेबलिश कर दी हूँ, वो अपने पैरों में खड़े। पहले हस्बैंड से? हाँ, वो पैरों पे खड़े बड़े। वो इंडियन शहरी से शादी हुई थी आप? जी जी। वो अब वो मामला कुछ भी नहीं है मेरे साथ, मैंने इससे शादी की एकदम पिछला कुछ भी नहीं है। प्रीवियस जाएंगे, ये डिटेल में हमें बताइएगा, आप इंडिया में रहती हैं तो इंडिया से अबूजाबी आप कैसे गईं और क्यों गईं? अबूजाबी में जॉब के सिलसिले में गई 2008 पे, हाँ, मेहंदी डिज़ाइन का काम करने के लिए, वहाँ पर ब्यूटिशियन का काम करने के लिए। उस दौरान आप मैरिड थी? जी, मेरी वो खुला हो गई थी, मैं खुला ले ली थी, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर मैं मेरे शोहर से शादी की, 4-5। इनसे ताल्लुक़ कैसे बना, इनसे दोस्ती कैसे हुई आपकी अबूजाबी में? दोस्ती, मैं वॉक करने जाती थी तो वहाँ पर एक मेरी फ्रेंड बनी, फीमेल फ्रेंड, पाकिस्तानी थी वो भी, उनके ये बॉयफ्रेंड थे, इस औरत के वो बॉयफ्रेंड थे,
तो वो औरत उसको झांसा दे रही थी मैं शादी करूँगी, और फिर बाद में जब ये हम दोनों का दोस्ती भी वो औरत की और मेरी, तो फिर मेरा शोहर एक बार मेरे से बात करने की कोशिश किया, मैं रास्ते से गुजर रही थी तो वो मुझे बोले आपका नंबर दो, तो मैं बोली नहीं मैं नंबर तो नहीं दे सकती, हमारे सलून में ममनू है, तो बोले ठीक है मेरे से दो मिनट बात कर लो, यहाँ खड़ा मैं गाड़ी के लेके खड़ा हूँ आप मेरे से बात कर लो, तो फिर वो मेरे से बात की इस औरत के बारे में कि ये औरत मेरे को झांसा दे रही है, मेरे से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर वो इस सिलसिले में फिर है ना हमारी बातें थोड़ी बढ़ती गई, फिर वो हम दोनों की बातें दोस्ती में बन गई दोस्ती, फिर हम लोग ने शादी का फैसला कर लिया। किसी और औरत का बता रहे थे कि ये मुझे झांसा दे रही है? हाँ जी, आप से डिस्कस करते थे? जी जी, दोस्ती हो गई फिर हमारी शादी हो गई, चार महीने तकरीबन हमने बात की, ज़्यादा कोई वक्फा नहीं गुजारा हमने, फिर हमने शादी कर ली, शादी करके फिर इन्होंने कहा तूने जॉब छोड़ देना है। शादी में फैमिली रजामंद थी आपकी? मेरे बड़े भाई आए थे अबू धाबी कोर्ट में, मैं शादी करी ठीक है, इनकी तरफ से भी, इनके तरफ से भी चार गवाह आए थे, इनके रिश्ते में कोई नहीं आया था, इन्होंने अपने रिश्ते में ना अपनी भाई बहने ना भाई ना इनकी बेटियाँ किसी की कोई मशवरा नहीं लिया और ना किसी का इंटरफेल था इनकी शादी में, तो बस मेरे भाई आए थे हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद, शादी करते वक्त आपको पता था इनकी पहले, आप बताती हैं पांच शादियां थी चार शादियां थी? नहीं, इन्होंने सिर्फ मुझे अपनी दो वाइफ के बारे में बताया था, दूसरी शादी भी तलाक भी वो बताया, दो बीवी के बारे में बताया, तीसरी बीवी जो पठानी थी उसकी तो औलाद ही नहीं थी, उसके बारे में इसने बताया ही नहीं कुछ भी ठीक है। जब मैं पाकिस्तान आई मूवी तो फिर मुझे सारे इसके रिश्तेदारों ने सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये आदमी पहले भी ऐसे किया करता था, तू कैसे फंस गई इस आदमी के साथ, तो अब क्या करूँ मैं, अब तो मेरे दो बेटे भी हो गए, मैं पाकिस्तान भी आ गई, अपना मुल्क छोड़ी अबू धाबी छोड़ी इस आदमी के पीछे बच्चों के चक्कर में, सब कुछ अपना कैरियर बर्बाद करी, अब मुझे ये कहता है कि तू लालची औरत है। मैं वहाँ पर जॉब करती थी, मेरी 5,000 दरम सैलरी थी पाकिस्तानी, 4 लाख रुपया मैं खुद कमा लिया करती थी, मैंने अपना फ्यूचर अपना सब है ना दाव पे लगा दी इस आदमी के लिए, बदले में मुझे क्या मिल रहा है आप सबके सामने मेरी ज़िंदगी देखो ना, मुझे आपके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपको पता है आपको कोई लगता है कि किस वजह से कर सकते हैं आपके साथ ऐसा? हाँ मैं बताती हूँ, पहले इसकी जो बेटियाँ चार बेटियाँ जवान जवान, उनकी ना हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं थी, तब बहुत अच्छा हमारी लाइफ चल रही थी, जब पाकिस्तान लेकर आया जब देखा इन्होंने कि ये बच्चों के नाम पर इतनी इतनी विरासत है मेरे बाप ने लगा दिया है, तो ये अब अपने बाप का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये और इनकी माँ मिलके, ताकि ये मुझे इंडिया भेज दे छोड़ के और ये बच्चों को अपने काबू कर ले और ये विरासतें हड़प कर जाए। लेकिन देखो मैं माँ हूँ, मुझे विरासतों की लालच नहीं है, मुझे मेरे बच्चों की लालच है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल उसको संवारना, उसको प्रोटेक्शन करना, सिक्योरिटी करना, अल्लाह पाक ने मुझे ये नेचुरल हक दिया है, इससे ये नहीं साबित होता मैं लालची हूँ, अल्लाह पाक ने उनके नसीबों में अगर कोई चीज़ दी है तो उसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, साथ साथ मेरे बच्चों की जान और माल की हिफाजत करना मुझे दिया। इनसे पाकिस्तानी हस्बैंड से कितने बच्चे हैं? पाकिस्तानी हस्बैंड से मेरे दो बेटे, हाँ। ये मकान आपके नाम है उनके नाम? ये मेरे बेटों के नाम पर, दोनों बेटों के नाम पर ये मकान हम बैठे हुए हैं इस वक्त। जी जी, तो मैं अभी यही मेरी यही कोशिश है कि मेरे बच्चे मेरे से ना छीने जाएं, जिस तरह मेरा शोहर चार गैर महरम आदमी को लेकर आया और मुझे अगवा किया और अगवा करके सारे रास्ते में मेरे पर तशद्दुद करता रहा, मुझे मारता रहा और मुझे इंडिया भेजने की कोशिश करी, वहाँ से ये नाकाम हो गया, मैं वापस आ गई अपने बच्चों के पास, तो अब मेरे दिल में इतना डर भर गया है, मैं कैमरे में देखती हूँ कोई गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है तो मुझे इतना डर लगता है, मेरे साथ इतना इसने जहनी टॉर्चर करके रखा है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, बस अपने और अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मैं हाथ पैर मार रही हूं, मैं लोगों से मदद मांग रही हूं कि कहीं से कोई मेरी खुदारा मदद कर दे। अभी मुझे ये बताएं आप चाहती क्या, इंडिया जाना चाहती हैं, पाकिस्तान रहना चाहती हैं, अबू धाबी जाना चाहती हैं, सुलह करना चाहती हैं, बेसिक अब आपका आपका मोटिव क्या है? मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पर अपनी पहचान मिले पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिटी जाती हैं जी, क्योंकि मेरे बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है ठीक है, मेरे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान में ठीक है, बच्चों के नाम पे माशाल्लाह काफ़ी विरासत है, तो मैं चाहती हूँ इनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो, भले से मुझे यहाँ नेशनलिटी मिल जाए, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कैनेडा जाऊँ अबू धाबी जाऊँ, तो मुझे कोई तकलीफ़ कोई रुकावटें ना आए मुल्कों को लेकर, तो इस यही चाहती हूँ मैं यहाँ की हुक्मरान से
कि मेरी मदद की जाए, मेरे लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले जाए, मेरे लिए जो बेहतर हो, मेरे बच्चों के लिए बेहतर हो। आप ये चाह रही हैं कि आपको नेशनलिटी मिल जाए ताकि आप इंडिया भी जा सकें, पाकिस्तान भी रह सकें। जी जी। अपने हस्बैंड से कि आप पाकिस्तानी शहरियत चाहती हैं, आप रहना चाहती हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, इसमें तो कोई मेरा ख्याल लड़ाई वाला मामला नहीं हो सकता। मैंने बड़े दफ़ा इसको बोली कि मेरी नेशनलिटी का पेपर वहाँ पर जमा करो या मेरी नेशनलिटी दिलाओ, मेरा वीज़ा लगा। वो तो इस मामले में कोई बात ही नहीं करता खुल के, ना मेरा स्टेटस कभी बताता कि मेरा वीज़ा क्या है, कितने दिन का है, कुछ नहीं। असल में वो चाहता ही नहीं मेरे साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार इससे सुलह की। ये सुलह करता है मेरे जज्बात और मेरे इमोशन से खेलता है, और फिर है ना कानूनी साजिशें करता है। अभी इसने एप्लीकेशन डाली यहाँ पर DSP ऑफिसर में ऑफिस में कि मेरी बीवी है ना लालची औरत है, मेरी बीवी है ना वो मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखती, उनकी तालीम की कोई जिम्मा नहीं लेती, लिहाजा इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरा जो केस है उसको है ना खारिज कर दिया जाए। मतलब मेरे सामने सुलह कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, और पीछे मेरे साथ ये साजिशें करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफ़ा मैंने इसे सुलह करने की कोशिश की, हर बार ये धोखा देता मुझे, फ्रॉड। आप उनके साथ अब रहना नहीं चाहती और आप ये चाहते हैं कि आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी मिल जाए और अपने बच्चों के साथ अब रह सके। जी बिल्कुल, मेरे की डिमांड है। हाँ जी, अब मैं क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करके देख ली आदमी के साथ में रहने के लिए, लेकिन ये मेरे साथ नहीं बना के रखता है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊँ ना। मैं इसके साथ अब सिक्योर फील करती हूँ, इससे मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की कफालत से मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मेरे बच्चों की माशाल्लाह इतनी विरासत है, उसके बेस पे मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल। आपने कोई एप्लीकेशन दी है पाकिस्तानी हुकाम को? मैंने अपने वकील को सारा जिम्मा पहुँच दिया है, वो भी कर रहे, और मेरे से भी जितनी कोशिश बनती है मैं वो भी उनसे करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप मैं सबसे आवाम से हुकूमत से सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा मेरी मदद करे, यहाँ की हुक्मरान पाकिस्तान पंजाब हुकूमत से, यहाँ पर मैं मरियम नवाज से, वो भी एक खातून है, वो मेरा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है, वो मेरा दर्द अच्छे से समझ सकती है। मैम मरियम नवाज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तहे दिल से, अल्लाह का वास्ता आप सब लोगों को एक माँ की तकलीफ़ को समझी जाए, एक माँ के जज्बात को समझे जाए। माँ कभी धोखा नहीं देती अपनी औलाद को। मैं ये मुल्कों के मसले मसाइल या हुकूमत मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मैं एक माँ हूँ, एक बेबस माँ हूँ मैं, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरी तकलीफ़ को समझें, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक खातून हैं, मेरे लिए कोई ऐसे इंतज़ाम पेश किए जाए जिसकी वजह से मेरे सारे मसले मसाइल हल हो जाए, मैं मेरे शोहर के तशद्दुद और ज़्यादतियों से मेरे को निकाला जाए और मेरी मदद की जाए। मैं यहाँ के सारे हुकूमत और आवाम से अपील करती हूँ, खुदारा मेरी मदद करें, मेरे बच्चों पर रहम करें, मुझ पर रहम करें, मेरे हालत पर रहम करें। फरजाना की स्टोरी आपको तफसीलन हम बता रहे थे और इनकी फुटेजेस भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये इंडियन है नहीं, तो ये आपको तमाम प्रूफ स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि अपने बच्चों के साथ आप पाकिस्तानी नेशनलिटी लेके पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, इनकी जो डिमांड है वो यही है इस वक्त, और ये हाथ जोड़ कर जो है वो अपील कर रही हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, और जो लीगल प्रोसेस हो सकते हैं इनको इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी नेशनलिटी देने में, वो अब कानूनी तौर पर जो है वो इनको मिलने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।